तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने व्हाट्सएप के डीपी को ही हटा सकते हो। आप सब लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि कई लोगों के व्हाट्सएप के डीपी के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होता है, वो लोग अपने फ़ोटो को पूरी तरह से हाइड करके रखते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि हो सकता है कि इस पर्सन ने हमें ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हमें इसका डीपी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप भी अपने डीपी को परमानेंटली रिमूव कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते हो तो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नजर की वजह से पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए रोज लेके आता रहता हूँ। तो चले चलते हैं सीधा मोबाइल को होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं अगर अपने WhatsApp को ओपन करता हूँ, WhatsApp को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्रोफाइल पे कुछ भी लगा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रोफाइल के ऊपर कुछ भी नहीं लगा के रखा हुआ है। फ्रेंड्स देख सकते हो मैं आगे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने व्हाट्सअप में अपने डीपी को रिमूव करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपना व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका डीपी जो है वो दिखाई दे रहा होगा, तो इस डीपी के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब डीपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस कैमरे के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब कैमरे के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक कैमरा एक गैलरी का। लेकिन आप बोलोगे कि भाई हमें तो अपना डीपी को रिमूव करना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर में आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो डिलीट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब डिलीट के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे रिमूव प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो रिमूव के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपका डीपी जो है वो रिमूव हो गया है। अब कोई भी बंदा आपके डीपी को देखेगा तो इसी तरह से दिखाई देगा और वो सोचेगा कि आपने उसे ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने डीपी को रिमूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप डीपी को चेंज कर सकते हो, या फिर अपने व्हाट्सएप डीपी को हाइड कर सकते हो, या फिर अपने व्हाट्सएप डीपी को रिमूव कर सकते हो। आई होप ये वीडियो सब लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।